नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। चलिए हम लोग यहां पर निफ्टी के जो पीएसयू बैंक स्टॉक्स हैं उसके एनालिसिस करेंगे। अगर एनालिसिस हो तो पसंद आती है तो जरूर लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन का बॉक्स ओपन है, आप वहां पे भी मुझे बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप मेरे चैनल को मेरे वेबसाइट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो मेरा वेबसाइट है www.rktrading.online। अगर मैं आपको अपना वो वेबसाइट दिखाऊँ तो यहाँ पर ये वेबसाइट की एक छोटी सी झलक है। मैं आपको यहाँ पर वेबसाइट दिखाता हूँ। होम पेज है ये मेरा rktrading.online के नाम से, ये मेरा वेबसाइट है। यहाँ पे आपको और भी जानकारी मिल सकती है, मेरे वीडियोस रिलेटेड, मेरे चार्ट रिलेटेड। जैसे अभी रिसेंटली मैंने चार्ट पोस्ट किया है यहाँ ब्लॉग वाले सेक्शन में। जो चार्ट वाला सेक्शन है उसको मैंने ब्लॉग के अंदर रखा हुआ है, वीडियोस वाले सारे सेक्शन मैंने यहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट के हिसाब से बना के रखा हुआ है। ब्लॉग पे अगर आप जाएंगे तो अभी रिसेंटली मैंने 3 स्टॉक्स के चार्ट पोस्ट किए हैं जो कल बेहतर रिजल्ट देने की क्षमता रखते हैं, जिसमें पहला है हमारा LIC हाउसिंग फाइनेंस। जैसे आपने इस ब्लॉग पे क्लिक किया ना, इस ब्लॉग पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे एक चार्ट ओपन हो जाएगा और इसके साथ एक हेडिंग भी ओपन होगा, चार्ट फॉर 25 जून। ठीक है, एक्चुअली फिफ्थ लिखना था, 25 जून 2019, यानी कल के लिए कौन सा चार्ट बेहतर है। बस इस पर क्लिक करेंगे ना तो इसके अंदर जितने चार्ट है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। देखिए, पहला है LIC हाउसिंग फाइनेंस, उसके बाद दूसरा है एक्सिस बैंक, और तीसरा है यहाँ पे दोस्तों हमारे पास गेल इंडिया का चार्ट। ये 3 चार्ट है जिसको मैंने पोस्ट किया, कल के लिए बेहतर क्षमता रखते हैं ऊपर या नीचे की परफॉर्मेंस के लिए ये 3 चार्ट। तो आप इसे भी देख सकते हैं, साथ में सारे वीडियो सेक्शन यहाँ पे बने हुए हैं। आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे help@rktrading.online पे भी लिख कर मुझे भेज सकते हैं। मुझे वो डायरेक्ट ईमेल मेरे पास आ जाएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करता हूँ, पहले स्टॉक की एनालिसिस, PSU बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस। तो अभी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ PSU बैंक का वॉच लिस्ट, यहाँ पे मैंने लगा दिया निफ्टी PSU बैंक। सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों अलाहाबाद बैंक का, दिल्ली का चार्ट। दिल्ली के चार्ट पे ये स्टॉक्स में कोई परफॉर्मेंस नहीं है खास, अभी एकदम नॉर्मल है, स्कूल अवॉइड करने से भलाई है। पोजिशन 42.50 रुपये के ऊपर ही बनेगा तो टारगेट हमारे पास 46.50 रुपये के आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। फिलहाल ये स्टॉक साइडवेज है। दूसरा है आंध्रा बैंक। देखिए, आंध्रा बैंक भी बिल्कुल अपने एक सपोर्ट, लॉन्ग टर्म सपोर्ट के पास आके खड़ा है। ठीक है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल लॉन्ग टर्म सपोर्ट के पास आकर इसको ये ब्रेक कर देता है ना 22 रुपीज को, तो ये आपको वापस 18 रुपये का लेवल दिखा सकता है आंध्रा बैंक। इसके ऊपर जब तक ये स्टॉक बना हुआ है तब तक ये पॉजिटिव है, लेकिन मेरी सलाह अगर आप लोगों ने पोजिशन बनाया है तो बिल्कुल जो है आप 18 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करें और इसका स्टॉप लॉस अपने ट्रेल जरूर करते जाएं। और दोस्तों, यहाँ पर मैं कोई प्रोफेशनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ अपना रिसर्च एनालिसिस आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए पोस्ट कर रहा हूँ। तीसरा स्टॉक है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा 200 DMA के नीचे ही कंटिन्यू एक सप्ताह से ट्रेड कर रहा है, 10 दिन हो गए लगभग। हमें तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे जब तक कि ये इसके ऊपर क्लोज ना करे, यानी कि कम से कम 122 से 123 रुपये के ऊपर स्टॉक्स नहीं निकले तब तक कोई नया पोजीशन नहीं बनाएंगे बाय साइड में। अगर ये स्टॉक नीचे ब्रेक कर देता है, अगर स्टॉक नीचे 115 को क्लोजिंग बेस पर ब्रेक करता है तो ये इस गैप को फिल करने के लिए ये आ सकता है, जो इसने यहाँ पे गैप बनाया हुआ है इस गैप को ये फिल करने के लिए आ सकता है, तो फिर आपको ये 112 रुपये का लेवल भी दिखा सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया का। चलिए बैंक ऑफ इंडिया को देख लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया कहीं नहीं, हाँ, एक अच्छा मूवमेंट आपको ये तब देगा जब ये स्टॉक 90 के ऊपर क्लोज करेगा। 90 के ऊपर अगर ये क्लोज करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट आपको ये देखे जाएगा। ये बार बार एक फॉर्म बना रहा है, अप डाउन, फिर यहाँ से अप, फिर एक डाउन, फिर अप, यहाँ डाउन, अब यहाँ तक हो सकता है ये अप बनाए, लेकिन जब पहले 90 का लेवल ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ तब। नीचे एक ट्रेंड लाइन का इसको सपोर्ट है बहुत अच्छा खासा, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक ये स्टॉक बना हुआ है टेंशन वाली बात नहीं। 80 के ऊपर जब तक है स्टॉक कोई टेंशन नहीं, 80 को ब्रेक करेगा 77 का लेवल आपको शॉर्ट साइड में दिखा सकता है। केनरा बैंक, चलिए केनरा बैंक के लेवल भी हम लोग चेक कर लेते हैं। दोस्तों, केनरा बैंक बहुत अच्छे तरीके से मूवमेंट करते हुए जा रहा है। मुझे लगता है केनरा बैंक अभी 280 का टारगेट आपको नियर दिखा सकता है, 280 रुपये का टारगेट आपको नियर 2 से 4 दिन में केनरा बैंक दिखाने की क्षमता रखता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर ये इसी मूवमेंट में काम करता तो करता रहा तो जरूर दिखा देगा आपको। तो केनरा बैंक पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, 280 के भी लेवल केनरा बैंक आपको दिखा सकता है। अगला सरकारी बैंक है IDBI का। चलिए IDBI को भी चेक करें हम लोग, ओपन हो रहा है बस IDBI का चार्ट। हाँ,
आईडीबीआई बैंक भी दोस्तों अपने बिल्कुल सपोर्ट प्राइस पे है, ये लास्ट सपोर्ट है इसका। अगर ये लास्ट तोड़ देता है 33 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो 30 के लेवल आपको आईडीबीआई बैंक दिखा सकता है। अभी फिलहाल इसमें कोई पोजीशन बनाने का जगह नहीं दिख रहा है मुझे, तो इस स्टॉक से फिलहाल तो अभी दूर रहें। अगला स्टॉक है इंडियन बैंक का। चलिए मैं इंडियन बैंक का भी चार्ट देख लेता हूँ। देखिए 200 DMA के नीचे आज इसने क्लोज किया है, दो दिन फ्राइडे को क्लोज किया, उसके नीचे आज ने इसको कंप्लीट किया, आज ब्रेक करने की कोशिश किया, क्लोज करने का क्लोज नहीं कर पाया, वापस नीचे आके क्लोज किया हुआ है। हमें इसमें नया पोजीशन नहीं बनाना है, 265 के ऊपर हम लोग इसको देखेंगे बाय के लिए। अभी तक ये बाय का कैंडिडेट नहीं है, क्यों? बिल्कुल यहाँ पे एक सब रेजिस्टेंस है, इस लाइन का ये रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, 263-264 का रेजिस्टेंस ले रहा है, उसके ऊपर जब तक इसको क्लोज ना करे हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक करता है 253 को नीचे की तरफ, तो फिर आपको ये 250 और 245 के भी लेवल इंडियन बैंक दिखा सकता है। अगला स्टॉक है ओरियन बैंक। चलिए ओरियन बैंक भी देख लें, 200 DMA के नीचे ही क्लोज कर रहा है, तो हमें इसके ऊपर कोई ट्रेड अभी नहीं लेना। सेल साइड हमें तब लेंगे फाइनल जब ये 87 को ब्रेक करेगा। 87 को अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, 87 को ये ब्रेक करता है तो ही हमारा ट्रेड बनेगा इसमें सेल साइड में, वरना ये ट्रेड नहीं बनेगा। और अगर ऊपर दोस्तों ये ब्रेक करता है 95 को क्लोजिंग बेस पे, तो फिर हमारा टारगेट 98 का आएगा ओरिएंटल बैंक में। अगला स्टॉक है पंजाब नेशनल बैंक। देखिए बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल बन रहा है, बॉडी बन ही नहीं रहा है, इस कैंडल में बॉडी नहीं बन रहा है। जिस कैंडल में बॉडी ना बने संभल के रहिए, उस स्टॉक से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करिए, क्योंकि बॉडी हमेशा पॉजिटिव का निशानी होता है, चाहे वो ब्लैक रेड बने चाहे ग्रीन। लेकिन अगर सिर्फ वीक्स बनने लगे, समझिए स्टॉक्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से अभी इस स्टॉक से मेरा व्यू है कि दूर रहना चाहिए, मेरा अपना पर्सनल व्यू है, कोई भी आप लोगों को सलाह नहीं। आप अपना ट्रेड करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। पॉजिटिव इसमें तभी आएगा जब ये 80 रुपीज़ के ऊपर क्लोज करेगा, तो हमारा टारगेट 86 का आपको मिल सकता है। SBI, ये तो BTST कॉल भी मैंने SBI को दिया हुआ है 360 के टारगेट के लिए, तो देखिए कल ये मिलता है 350 का 360 का टारगेट या नहीं। मैंने टेलीग्राम पर ही दिया है BTST 360 का टारगेट के लिए, तो देखते हैं मिलता है या नहीं कल। तो हम लोग यहाँ पे देखना शुरू करते हैं ये SBI में पॉजिटिव है, टारगेट वही 360 का बना हुआ है BTST में, तो कल अगर ये अपने हाई के ऊपर यानी आज के हाई के ऊपर कल ट्रेड करता है तो एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल देगा, जो 360 के लेवल आपको दिखा सकता है SBI। अगला स्टॉक है सिंडिकेट बैंक। चलिए सिंडिकेट बैंक दूर रहेंगे सिंडिकेट बैंक से दोस्तों, अभी थोड़ा निगेटिव है इसमें, तो निगेटिव है ये हमें वापस लगता है 34 का लेवल दिखाएगा सिंडिकेट बैंक। अगर ये ट्रेड करने लगता है 35 के नीचे, तो 34 के भी लेवल 33 के लेवल भी आपको दिखा सकता है सिंडिकेट बैंक। अगला स्टॉक है लास्ट यूनियन बैंक। देखिए यूनियन बैंक जब तक 68 के ऊपर बना हुआ है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 68 इसका अच्छा खासा सपोर्ट है, 68 के ऊपर जब तक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 68 को अगर ये ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो ये वापस 58 के लेवल में चला जाएगा। लेकिन अगर ये ऊपर वापस 80 को ब्रेक कर देता है, तो फिर आपको अच्छा खासा टारगेट 84 और 90 का टारगेट भी दिखा सकता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये था मेरा येशु बैंक पे अपना व्यू। अगर मेरी एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में मेरे वेबसाइट को अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ rktrading.online पे जाएं, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ rktrading.online मेरे वेबसाइट का नाम है, यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएगी। और यहाँ पे भी मैंने रिसेंटली ब्लॉग वाले सेक्शन में जाएंगे तो रिसेंटली जो डे का चार्ट है कल के लिए, जो कौन सा बेस्ट स्टॉक हो सकता है यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। यहाँ ब्लॉग पर जाएंगे, चार्ट ओपन होगा, उसके बाद यहाँ हेडिंग है, इस हेडिंग पर क्लिक करना है, चार्ट फॉर 25 जून 2019, इसको क्लिक करेंगे तो तीन स्टॉक्स आपको यहाँ पे तीन चार्ट आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ये तीनों चार्ट, तो इस तरह से मैं धीरे धीरे करता जा रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे दोस्तों, आप लोगों के लिए कुछ कुछ लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जरूर वेबसाइट भी विजिट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।